ऐसा कसूर किया था जो आज हमारे निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव मान्य के द्वारा यह पत्र निर है पिछले छह सालों से हमने काम किया है तो राज्य करूंगा। करूंगा में बुलाने राज में पिछले छह साल से सेवा दे रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत बयालीस संतावन अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा पत्र हो चुका है जारी तो पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेलाइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे सब पहले आपको तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से बिहार के चार संतावन अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है ये सभी शिक्षक पिछले 6 सालों से राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत थे अब इनकी सेवा समाप्त करने का फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र जारी किया गया है पत्र में लिखा गया है कि 25 जनवरी 2018 से राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है वर्तमान में कक्षा 9 10 के लिए सैतीस हजार आठ सौ और कक्षा ग्यारह बारह के लिए छप्पन हजार आठ सौ और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चौरानवे हजार सात सौ अड़तीस शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित किया जा चुका है इस स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सेवा में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है एक अप्रैल से किसी भी परिस्थिति में इनकी सेवा नहीं ली जाएगी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि आपको अपने जिला में एक भी अतिथि शिक्षक के सेवा में नहीं होने का प्रमाण पत्र भी विभाग को तीन अप्रैल तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग के फैसले के बाद अतिथि शिक्षकों ने प्रतिक्रिया दी अतिथि शिक्षक मनीष कुमार ओझा ने कहा कि आज बहुत दुख हो रहा है कि राज्य के चार हजार दो सौ संतावन अतिथि शिक्षकों की नौकरी छीन ली गई है हम लोगों ने कौन सा कसूर किया था कि सरकार ने ऐसा हम लोग के साथ किया सरकार से प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमारे बच्चे की ओर घर में बच्चे की बच्चों और घर के बारे में भी सोचे और सेवा का मौका दे तो वीडियो में इतना ही वीडियो मलास्त तक बनाने के लिए धन्यवाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए